जी गायत्री मैम, रिकॉर्डिंग हो रहा है स्टार्ट। गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का विवाह वुमन में स्वागत करती हूं और सभी को नमस्कार करती हूं। बहुत दिनों के बाद हमने फिर से स्टार्ट किया है विवाह वुमन का सेशन, तो हमारी ऑर्गेनाइजर, हमारी प्यारी रेखा मैम और हम सब महिला, आज बहुत सारे 15 लोग हैं, सभी को मेरा दिल से, दिल की गहराई से नमस्कार। एंड ये हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आज और इसको रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब में भी डालेंगे, तो सब लोग सुन पाएंगे आज का एपिसोड। तो आज हमने टॉपिक रखा है बी पॉजिटिव। तो हमेशा पॉजिटिव वे में ही हमको सोचना है और रहना है। हमारी लाइफस्टाइल ही एक नियम बना लीजिए कि आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है। कुछ भी कार्य करो, दो वे होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव भी इतना ही पावरफुल होता है और पॉजिटिव भी इतना ही पावरफुल होता है। लेकिन देखिए, हमारा देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया क्या होता है, ये हम पे डिपेंड होता है। क्योंकि सिक्के के दो पहलू होते हैं, सिक्के के एक पहलू की भी बहुत आवश्यकता है, दूसरे पहलू की भी बहुत आवश्यकता है। ये मैं आज के टॉपिक में आपको कैसे बताऊंगी, क्योंकि मैं तो आप तो हमेशा पॉजिटिव ही बातें कर रही हो, लेकिन नेगेटिव को क्यों आप इतना जोर दे रही हो। तो देखिए, हमारी इलेक्ट्रिसिटी में है ना, नेगेटिव पावर का बहुत बड़ा रोल होता है। नेगेटिव अगर तार अगर हम नहीं रखेंगे तो पॉजिटिव की कोई अहमियत नहीं होती है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तार से इलेक्ट्रिसिटी चलती है ना, तो वहां पे भी इक्वल ही उनका पार्ट रहता है। तो जीवन है, जीवन में नेगेटिविटी भी बहुत होती है और पॉजिटिविटी। नेगेटिव होने से, ये तो पॉजिटिव वे में, नेगेटिव को मैंने पॉजिटिव वे में दिखाया, क्योंकि अगर बिजलियां गिरती हैं बारिश के मौसम में तो हमारे घर के ऊपर एक तार लगा होता है, वो नेगेटिव तार होता है। अर्थिंग का जो तार रहता है ना, वो नेगेटिव तार रहता है, वो पूरा वो जमीन में चला जाता है। पूरी जो बिजली गिरती है ना हमारे मकान पे, तो वो हमारे मकान को नुकसान ना कर पाए, इसलिए वो जो अर्थिंग का तार होता है वो नेगेटिव तार होता है, उनको जोड़ देते हैं जमीन में, तो बिजली गिरे तो पूरी जमीन में हमको नुकसान ना हो पाए। तो नेगेटिव को हमको ऐसे ही रखना है कि बिजली हमारे पे गिरे तो हमको पैनिक नहीं होना है, उनको पूरी जमीन में जाने देना है। तो पॉजिटिव देखिए, हमेशा भी पॉजिटिव। पॉजिटिव हम जो कार्य करते हैं, कार्य करने में हमको अड़चने भी आती है, बहुत अड़चने भी आती है, तो अड़चनों का सामना करते हैं हम लोग, तो हमारी जो सोच होती है उसके हिसाब से हमारे हम उन पे फीडबैक देते हैं या उन पे कार्य करते हैं। अगर मेरी सोच पॉजिटिव होगी तो वो कार्य मैं बहुत अच्छे से पॉजिटिवली वो कंप्लीट करूंगी, लेकिन वो कार्य में मेरी सोच नेगेटिव होगी तो वो कार्य सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव सोच है, कहीं सही दिशा नहीं पता है मुझे, मैं रुक गई हूँ, वो कार्य कर रही हूँ लेकिन सही वे नहीं पता है, तो वो मंजिल तक नहीं वो कार्य पहुंचता है, कंप्लीट नहीं होता है। तो ऐसे ही हमारी जो कंपनी है ऑन पैसिव में भी बहुत सारे लोग की सोच पॉजिटिव है और बहुत सारे लोग की सोच नेगेटिव है। नेगेटिव सोच वाले क्या है ना, छोटी छोटी गलतियों पे फोकस करते हैं या छोटी छोटी बातों पे उलझ जाते हैं, या बड़ी बड़ी अपडेट भी आती है ना उसमें से भी नुक्स निकाल लेते हैं कि ये इस तरह बोला गया है, ये इस तरह बोला गया है, इसका मीनिंग ये है, मतलब हमें कहावत है पानी में से पुला निकालने की, मतलब हर छोटी छोटी बात पे नुक्स निकालना, तो ये नेगेटिव सोच है कि हर बात पे बस नुक्स नुक्स नुक्स। और पॉजिटिव
पॉजिटिव पॉजिटिव वाले क्या करते हैं, हर सिचुएशन कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में भी पॉजिटिव है सोच के वो आगे बढ़ते हैं कि जो भी हो रहा है मेरे लिए अच्छा हो रहा है, जो भी होगा मेरे लिए अच्छा होगा, इसी सोच के साथ वो आगे बढ़ते हैं। कुछ नुकसान भी होता है तो इसमें भी ये सोच लेते हैं कि नहीं ये छोटे नुकसान से मैं बच गया, चलो छोटा नुकसान हो गया यहां से मैं मेरी मतलब बच गया, आगे मैं नहीं करूंगा, अवेयर हो जाते हैं। तो जो भी उनके साथ जो सिचुएशन आती है डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, उसमें से वो पॉजिटिव सोच के साथ वो आगे बढ़ जाते हैं। तो गीता जी में भी लिखा है कि आज जो हो रहा है ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, तो उसके साथ हमेशा हमको जाना है। तो देखिए 360 की अपडेट आई है तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ सोचने लगे हैं क्योंकि बहुत अच्छी अपडेट आई है, अच्छे अपडेट आई है, लेकिन नेगेटिव सोच वाले उनमें भी नुक्स निकाल देंगे। नहीं बोला तो लास्ट मंथ भी बोला गया था कि आपको बोनस देंगे, क्या दिया? क्योंकि मुझे ये बातें सुनने में आई है कि लास्ट मंथ भी बोला गया कि दिवाली थी लास्ट मंथ, तो दिवाली थी तो कुछ नहीं दिया गया, आने वाले मंथ में भी नहीं देंगे, सब बोलने के लिए सब बोल रहे। लेकिन देखिए दोस्तों, देंगे तो खुशी मनानी है, नहीं देंगे तो हमारा माइंडसेट है ना, हमको सेट करके रखना पड़ेगा पॉजिटिव वे में कि क्यों नहीं दिया गया, कुछ कारणों के वश ही नहीं दिया गया होगा ना, क्योंकि हमारी कंपनी है एआई बेस्ड है, टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग है हमारी कंपनी, तो उसमें कभी कभी अड़चने भी आ जाती है। टेक्नोलॉजी में है ना कुछ छोटा सा फॉल्ट भी है ना, वो अगर करेक्ट करने के लिए पूरी प्रोसेस पहले से करनी पड़ती है, तो प्रोसेस करने में है ना समय लग जाता है, लेकिन हमको तो बोलना है, सिर्फ बोलना है, क्योंकि कंपनी ने तो हमको है ना प्राउड फाउंडिंग मेंबर बना दिया है, लेकिन हम प्राउड के तरह नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को वहां खड़ा नहीं कर रहे हैं कि पॉजिटिव वे में हम अपने आप को नहीं रख पाते हैं, नहीं सोच पाते हैं, बस हमेशा नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो हमेशा जीवन में नेगेटिव की भी जरूरत है तभी पॉजिटिविटी की कदर होगी, कोई नेगेटिव नहीं बोलेगा ना तो पॉजिटिव की कदर नहीं होगी, तो वो भी इक्वली ही काम करता है ना, ताली दो हाथ से बजती है एक हाथ से नहीं बजती है। अगर मैं ही बोलूंगी नहीं पॉजिटिव 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 सोचना है तो कितने दिन सब लोग सोचेंगे, लेकिन नेगेटिव का भी पावर पता होता है क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना नेगेटिव की ओर ज्यादा चला जाता है। अगर एक छोटी जो शंका होती है ना, मतलब नेगेटिव थॉट आपको बहुत इफेक्ट करता है आपकी माइंड को, जो पॉजिटिव बोलते हैं ना जो लोग उनको इग्नोर कर देते हैं बहुत सारे, मैं भी मानती हूँ ये बात को, कोई मेरे बारे में कुछ नेगेटिव बोल देगा ना तो पूरा दिन मैं सोचती रह जाऊंगी कि क्यों बोला होगा, किस होगा, इग्नोर नहीं कर पाती हूँ वो बात को। ये एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ मेरी बात से, लेकिन मैं है ना मेरे बारे में कोई नेगेटिव बोलता है ना तो मैं बोलती हूँ कि बोलने दो मुझे कुछ इफेक्ट नहीं होगी, लेकिन इस तरह मैंने मेरा माइंड सेट किया हुआ है इसलिए ये मैं स्टेप ले सकती हूँ या ले रही हूँ। लेकिन सभी को नेगेटिव, एक लोग बोलेंगे दो बोलेंगे तीन बोलेंगे ना तो आप है ना आपकी सोच है ना वहीं लेके जाओगे, हाँ 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 सही है सही है, हाँ सही है सही है, क्योंकि आप दिमाग से सोचते नहीं हो कि क्या सही है क्या गलत है, आपके दिमाग को जोर डालो कि ये मैं सोच रही हूं या क्या सही है, इसका परिणाम क्या सही आएगा, वो तो बोल रहे हैं, लेकिन अपनी खुद की सोच भी बहुत मान्य रखती है यहाँ। तो पॉजिटिव रहने के लिए आपको
है ना, आपको दिमाग को जो खुराक है ना वो पॉजिटिव देनी पड़ेगी, नेगेटिव नहीं देनी पड़ेगी। नेगेटिव सुनो, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो उनको, है ना, ऊपर मत माइंड में मत जाने दो। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव से कुछ सीखिए। कोई नेगेटिव बोल रहा है तो उनपे अब सोचिए कि ये नेगेटिव बोलने के पीछे उनका रीजन क्या है। रीजन जान लोगे ना तब आप अपने आप को सही कर पाओगे। तो थैंक यू सो मच मुझे आज ये मौका देने के लिए, और इतना रिस्पेक्ट से आपने मुझे सुना, इसके लिए भी थैंक यू सो मच। ओवर टू मैम। वाह, ऑसम, अमेजिंग। मतलब थॉट प्रोसेस हमारा यही दर्शाता है। गायत्री मैम, इस टॉपिक के ना आप मास्टर हो चुके हैं। व्हेन इट कम्स टू स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी या फिर कोई भी मोटिवेशनल टॉपिक्स पे अगर हमें बात करनी हो, तो एक शख्स जरूर आंखों के आगे रहते हैं सबके, दैट इज गायत्री जोशी जी। थैंक यू सो मच। सेशन को आगे बढ़ाते हैं और मैं चाहूंगी सरिता रतेरिया मैम, आपकी होस्टिंग बहुत लाजवाब रहती है, तो क्योंकि ये काफी दिनों के बाद एक नए सिरे से स्टार्ट हुआ है, वाओ वुमेन, तो मैं चाहूंगी कि आज आप इसे इसका कार्यभार संभालें। ओवर टू यू। हेलो सरिता जी। हाँ जी, हाँ जी, यस, थैंक यू सो मच मैम मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए। प्लीज आप किसी और से एक बार कंटिन्यू कीजिए ना, थोड़ा सा हल्ला है यहाँ पे। ओके, हाँ मैं समझ गई। ठीक है, कोई बात नहीं, ये चलता रहता है क्योंकि वो शॉप में है और एरिया बहुत बिजी है। ललिता जी, एक बार आप म्यूट कर लेंगी? जी हाँ, हाँ जी, अब अनम्यूट, जिस जिसका नाम आता जाएगा हम अनम्यूट करते, अपनी इस बी पॉजिटिव के ऊपर हम अपने विचारों को, अपने थॉट प्रोसेस को जरूर रखेंगे। और मैं चाहूंगी कि मंच का आगे का कार्यभार हमारी विजय जी संभालें। विजय जी, आप हैं अवेलेबल? यस मैम, यस मैम, ओवर टू यू विजय जी। थैंक यू सो मच रेखा मैम, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए और मुझे इस सेशन का कार्यभार देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वी वाव वुमन पर, जितनी भी मेरी बहनें अभी उपस्थित हैं, मैं सभी को नमस्कार करती हूँ। और हमारी मेंटर रेखा मैम, गायत्री मैम, इनको भी मैं बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज बहुत दिन के बाद हमारा वी वाव वुमन जो सेशन है वो हमने फिर से स्टार्ट किया है। तो हम सभी यहाँ पर उपस्थित हो गई सभी बहनें, तो उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारी गायत्री मैम ने जो बी पॉजिटिव के ऊपर जो हमें अभी जितनी भी बातें कही, बिल्कुल सही कही उन्होंने कि हमें हमेशा जो है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। लेकिन क्या होता है ना, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, है ना, तो उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहते हैं। और कभी कभी हम इतना नेगेटिव हो जाते हैं कि मतलब वापस हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स। ये ना लाइफ है, लाइफ में उतार चढ़ाव आएंगे। कभी हम लोग बहुत अच्छी स्मूथ लाइफ चलेगी और कभी कभी ऐसे लगता है सब रुक सा गया है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है लाइफ में, क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। तो ये चीजें जब हम सोचने लग जाते हैं ना तो हम लोग रुक जाते हैं। लेकिन जिंदगी है ना, चलने का नाम है, रुकने का नाम नहीं है। तो हमें बिल्कुल पॉजिटिव हमेशा रहना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा होता है ना, हमें उसे पॉजिटिवली लेना चाहिए। अगर किसी को मेरा तो ये है कि अगर थोड़ी सी अगर चोट लग गई, मान लो मुझे ना थोड़ी सी चोट लग गई, तो मैं ये सोचती हूँ हो सकता है मेरे साथ कुछ बड़ा इंसिडेंट होने वाला था, तो ये छोटी सी चोट में ही बीत गया है, तो चलो कोई बात नहीं, ये तो ठीक हो जाएगी। अगर कुछ बड़ा मेरे साथ हो जाता तो फिर क्या होता, है ना। तो हम लोगों को ऐसे ही छोटी छोटी बातों को नेगेटिविटी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लाइफ है तो सब कुछ होते रहेगा हमारे साथ। और हम लोग इन सब चीजों से निकलकर हम लोगों के लिए
आगे बहुत कुछ हो रहा होता है, हमें रुकना नहीं चाहिए। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता है तो उसे हमें बिल्कुल आएगा, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, नेगेटिव भी आएगा पॉजिटिव भी आएगा, लेकिन हमें उससे निकलना है बाहर बाहर, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा होता है और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन हम लोग अगर नेगेटिव में ही रुक जाएंगे तो हम लोग और कुछ देख ही नहीं पाते हैं। जब हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट चल रहे होते हैं ना, तो पॉजिटिव बातें हमें नजर ही नहीं आती हैं, क्योंकि वो पूरा कवर कर लेता है हमारे माइंड को नेगेटिविटी। तो हमें नेगेटिविटी से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसे में क्या करना चाहिए, हमें अच्छे अच्छे लोगों के कांटेक्ट में रहना चाहिए, उनसे हमें बात करनी चाहिए जिनसे हमें अच्छा लगता है कि अभी मुझे लगता है कि रेखा मैम मुझे इस सिचुएशन से बाहर करेंगी, मुझे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, मैं रेखा मैम से कॉल करती हूँ, मैं गायत्री मैम से कॉल करती हूँ। तो जरूर हमें टच में रहना चाहिए। होता है कभी कभी ऐसे, हमेशा सबके साथ होता है, लेकिन जब हमें कोई गाइड करता है ना आगे से कि ये सही नहीं है, ये ऐसा करोगे तो ऐसा सही हो जाएगा, तो फिर हम लोग इजिली उस जो सिचुएशन होती है उससे बाहर निकल जाते हैं हम लोग इजिली। लेकिन हमें जरूर शेयर करना चाहिए, कोई भी हमें प्रॉब्लम आ रहा है या हम लोगों के बार बार हमें नेगेटिव ही थॉट आ रहे हैं, हम पॉजिटिव को देख ही नहीं पा रहे हैं। अभी हमारी ऑन पैसिव को लेकर ही देख लीजिए, अब बहुत कुछ बैकएंड में चल रहा है। कल हमारे आशमसारा सर आए हमारे सामने, उनका चेहरा देखकर ना इतना ऐसे लगा ना कि कितना बहुत थके हुए लगे मुझे, इतना बहुत ऐसे लगे स्ट्रेस में, थकान से भरे हुए, क्योंकि वो दिन रात हमारे लिए काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जिनके माइंड में तो बस नेगेटिविटी ही चल रही है, वो बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा यहाँ पर, है ना, वो देख ही नहीं पा रहे हैं। तो हम ऐसे लोगों को कुछ कर नहीं सकते हैं जो देख कर भी अनदेखा कर रहे हों, और बहुत काम बैकएंड में चल रहा है, हमारी टेक टीम हमारे यहाँ सर दिन रात काम कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, वो हम सभी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो आने वाला समय है ना वो हमारा बदलना चाहते हैं। उनको क्या पड़ी है, जैसे चल रहा था वैसे रहने देते ना, हमको क्यों लाया उन्होंने 14 लाख प्लस फाउंडिंग मेंबर को अपने साथ, वो अकेले भी कर सकते थे। जबकि हम लोग वो अच्छा कुछ कर रहे हैं, फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो देख नहीं पा रहे हैं, तो उनको जरूरत नहीं थी हमें सबको साथ लेकर आने की, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं मुझे अगर मुझे पूरे वर्ल्ड के लिए ह्यूमैनिटी करनी है ना तो मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, मुझे बहुत सारे लोग चाहिए अपने साथ। तो इसीलिए उन्होंने हमें अपने साथ लिया, और आज हमें कहा कि तुम बड़े सपने देखो, बड़ा सोचो, अपनी सोच को पॉजिटिव रखो। क्यों कहते हैं वो इसलिए कहते हैं कि वो हमारे लिए बहुत बड़ा करने जा रहे हैं, वो कर चुके हैं, बस हमें हमें मिलने तक की देरी है जिस चीज की हम लोग राह देख रहे हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी हमारे बीच में होगी। और सब कुछ ना कहते हैं ना, पैसों के बिना कुछ चलता भी नहीं है और सब कुछ पैसा होता भी नहीं है। बहुत चीजें हमें इस मंच ने, इस ऑन पैसिव ने दे दी हैं जो आज तक हमें नहीं कहीं भी मिली थी, वो आज इस मंच ने दे दी हैं हमें, इस ऑन पैसिव ने दे दी हैं। हमारे आशमो फैरा सर ने जो ऑन पैसिव हमारे लिए क्रिएट किया है ना, इतना बड़ा जो एक समूह यहाँ पर, इसमें से हमें बहुत कुछ मिल चुका है। इतने प्यारे रिश्ते, इतने अच्छी बहनें, इतने अच्छे भाई, जो हमारा कुछ भी, हमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है ना तो वो हमारे साथ खड़े रहते हैं, दुख में सुख में हम लोग इंजॉय करते हैं, सब चीजें साथ में हम लोग बांटते हैं, शेयर करते हैं। तो ये चीजें हमें मिल चुकी हैं, नो डाउट के पैसा हमें बहुत आएगा और पैसे में, लेकिन ये जो चीजें हमें यहाँ से मिली है ना, ये आज तक कभी कहीं भी नहीं मिली थी। इवन के हमारे जो अपने रिलेटिव्स हैं, अपने जो रिश्ते हैं ना, वहां से भी हमें ये चीज को सभी लोग मिस कर रहे थे अभी, क्योंकि अभी सब लोग अपने अपने में रहना पसंद करते हैं, कोई एक दूसरे को देख भी नहीं रहा है, चाहे फैमिली मेंबर हो। तो ये चीजों की बहुत जरूरत थी कि अपनापन चाहिए था सभी को, सभी को अपने दुख सुख को शेयर करने के लिए चाहिए थे, तो वो चीजें हमें यहाँ से मिली है। तो मैं इतना ही बोलूंगी कि हमें हमेशा ही पॉजिटिव रहना चाहिए, कभी भी हमें नेगेटिव की तरफ नहीं जाना, लेकिन होता है, आएगा नेगेटिव थॉट भी आएगा, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, लेकिन हमें उसी सिचुएशन में ही बैठे नहीं रहना है हमेशा, हमें उससे बाहर निकलना है। थैंक यू सो मच रेखा मैम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच विजय जी, बहुत सही कहा। मैं एकदम सहमत हूँ कि लाइफ एक जैसा नहीं रहता है, कहते हैं कि एक गाड़ी होती है तो आगे का जो पहिया होता है वो सुख की तरह है, पीछे का पहिया है वो दुख की तरह है, या फिर वाइस वर्सा, यानी कि आगे पीछे सुख या दुख कुछ भी आ सकता है।
लेकिन सुख हमेशा हमेशा एक एनर्जी एक मतलब पॉजिटिव एनर्जी को हमेशा एक बरकरार रखता है, वहीं कहीं दुख जो है नेगेटिव एनर्जी को बरकरार रखता है। बट क्या होता है कि सुख का अनुभूति तभी हम अच्छे और बेहतर तरीके से कर सकते हैं जब हमने दुख को देखा या झेला होता है। तो ये वाइसा वर्सा है। और यस, बी पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप भी हम सबके बहुत सारे लोगों के या पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं, है ना। लेकिन फिर भी किसी ना किसी मतलब किसी ना किसी ब्लड ग्रुप से कुछ भी हो जाए तो हम लोग मतलब वी शेयर, राइट। हम अपने ब्लड ग्रुप्स के अनुसार हम मतलब किसी की लाइफ को सेव करने के लिए पॉजिटिव ब्लड का, पॉजिटिव बी पॉजिटिव ए पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप्स है ना वो भी काम आता है। मतलब एक जोक है ये, जोक अपार्ट वापस आते हैं टॉपिक पे। और टॉपिक पे आते समय अब हम चलते हैं किसके दरवाजे जाए, आसाम चले, सुपर्णा जी को बुलाते हैं। सुपर्णा जी बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाती हैं। मतलब ये गुण भी किसी किसी में होता है कि शब्दों की जरूरत कम हो लेकिन मतलब शब्द शब्द कम हो लेकिन फिर भी इतना एक बहुत शानदार मैसेज कन्वे कर दिया हो। तो सुपर्णा जी क्या बोलेंगी आज आप? थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा शुरुआत की है आज, और बहुत अच्छा भी लग रहा है फिर से स्टार्ट हुआ मोमेंट। और सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस जो जो है यह मंथ पर, और टॉपिक भी बहुत अच्छा रखा है क्योंकि मुझे जरूरत था इस टॉपिक पे बात। मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, हमने बंद नहीं किया था, हमारे यूट्यूब में हो रहे थे जर्नी सेशंस या फिर मोटिवेशनल सेशंस, लेकिन अब हाँ नहीं ओ कनेक्ट के साथ हम कनेक्ट हो रहे हैं। नहीं मैम, और ओपन है। यस अच्छा, यस मैम बोलिए। नहीं, ओवर टू यू। ओके मैम, नहीं फिर वो कनेक्ट में स्टार्ट हुआ सेशन, इसलिए मैं बोला कॉन्ग्रेचुलेशन सबको, और हम लोग करते रहेंगे। और जो टॉपिक रखा है ना मैम, बहुत जरूरी था इस टॉपिक का। मैं भी अभी थोड़ा सा मतलब फेस कर रही हूँ कुछ कुछ, तो एक तो लाइफ आपने दिया मेरे ज्यादा कुछ। गायत्री सुपर्णा मैम ने जी, आज बहुत तो जश्न का दिन है, आज आपके बेटे को बहुत बड़ा, आज एक मैं कहूंगी कि ये हर एक माँ बाप के मतलब ये एक्सपीरियंस सबको लेना चाहिए, जब बेटा या बेटी कोई बहुत बड़ा काम करते हैं और उसको मान सम्मान दिया जाता है ना, तो सबसे ज्यादा गर्व अगर किसी को होता है वो है माँ को। पिता को होता है, ऐसी बात नहीं है, बहुत गर्व होता है, लेकिन माँ की आंखों में ना वो अलग झलकता है, क्योंकि 9 मंथ्स हर हर एक पल को जिया होता है उसने। तो आज वो खुशी हम आपसे पॉजिटिव वे में देखना चाहेंगे। ओवर टू यू। मैम, ये तो बहुत गर्व की बात है। और मैं तो मतलब मेरे बेटा एक बेटी जाने के बाद मिला, तो एक एक्स्ट्रा कुछ उनके साथ, देखिए भगवान का ये भी एक लीला है। एक ही दिन में जन्म हुआ, मेरे बर्थडे के दिन मेरा बेटा का जन्म हुआ। ये तो भगवान ने मेरे लिए गिफ्ट दे दिया जिंदगी भर के लिए। तो हम दोनों को बहुत एंजॉय करते हैं इस दिन को। अभी ऑन पैसिव जब सब कुछ देने वाला है, तब उसके बाद तो हम सबको बुलाएंगे और एक साथ पार्टी करेंगे। वो भी दिन आएंगे बहुत जल्दी। लेकिन मतलब होता है ना कुछ, जैसे विजय मैम ने बोला, गायत्री मैम ने बोला, लाइफ हमेशा एक टाइप का नहीं रहता है, कभी कभी नेगेटिविटी आ जाती है, तो ऐसे ही हो जाता है कभी कभी। लेकिन पॉजिटिव रहने के लिए जो आप लोगों ने बोला, गायत्री मैम ने जो गाइड किया बिल्कुल सही, अच्छा सोचा, अच्छा किताब कि, लेकिन नेगेटिव तो आएगा ही, नेगेटिव थॉट आएंगे, उसके बाद भी पॉजिटिव, सब मिलके ही कुछ अच्छा होता है। जैसे तालियां मारने के लिए दो हाथ चाहिए, तो लाइट जलने के लिए नेगेटिव पॉजिटिव चाहिए। सब कुछ बोल दी मैम ने, इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना। और मैं एक बात बोलूंगी, जो सबसे जो ज्यादा जरूरी है, नेगेटिव से बच के रहना, नेगेटिव जो सोच वाले लोग होते हैं ना उनसे बच के रहना। मैंने भी यहाँ पर देखिए, मैम को पता है मैं खुद ही मैम से जुड़ी,
और इतना पॉजिटिव थे कि और वुमेन्स को लाने के लिए दिन रात मतलब यही ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि वुमेन्स को बहुत प्रॉब्लम है, सब लोग बोल नहीं पाते। और यहाँ पर भी मैं ट्राई किया, लेकिन कभी कभी क्या होता है लोग पॉजिटिव नेगेटिव बनाने के लिए बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन उससे जरूरी है इसलिए नेगेटिव से बच के रहना, खुद को बचने के लिए पॉजिटिव का साथ लेने के लिए उसके बाद मेडिटेशन करना जरूरी है और अच्छी किताब। मैं अभी ट्यूशन पढ़ा रही हूँ बच्चे को, मुझे जब शादी से पहले ट्यूशन स्कूल ये सब करना बहुत अच्छा लगता था, तो ऑनपसी से मेरा उम्मीद है कि जब आए तो मैं फिर से वही शादी से पहले वाला लाइफ स्कूल जरूर खोलूंगी, बच्चे के साथ रहना मुझे बहुत पसंद है। तो थैंक यू मैम, ज्यादा नहीं कुछ बोल पाऊंगी, थैंक यू। सुपर्णा जी थैंक यू सो मच, लेकिन आप बहुत जिंदा दिल हैं, आज आपको मैंने पहली बार शायद इतना इमोशनल देखा है, काफी दिनों के बाद जब आपकी जर्नी हुई थी तब भी एक इमोशनल टच था, आज भी है, लेकिन आज मतलब मैं चाहती हूँ कि आपके सारे सपने पूरे हों, सिर्फ आपके ही नहीं, जिन जिन आंखों ने सपने देखे हैं ना उन सबकी आंखों के सपने पूरे होंगे, तभी एक बिलीफ सिस्टम फिर से डी पॉजिटिव की तरफ सबको आएगा। जब सपने टूटते हैं, हम किसी के भी सपने जब टूटते हैं ना, तो हम ऊपर आकाश को जरूर देखते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस कहते हैं कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, मैं ही क्यों, इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ मुझे ही ऐसा मिलना था, मेरी लाइफ को ऐसा होना था। हम हजारों क्वेश्चन पूछ देते हैं और ऊपर ही देखते हैं आकाश को, है ना, क्यों, क्योंकि आंखों में ना फिर भी सपने होते हैं, उस नेगेटिव दौर मतलब उस नेगेटिव सोच में भी ना एक पॉजिटिव एक सपना जरूर छुपा होता है कि काश बदल जाए सब कुछ, काश मुझे वो सब कुछ मिल जाए। हम चाहे बोल रहे हैं कि मेरे ही साथ क्यों, और हम खुली आंखों से फिर भी सपना देख रहे हैं कि काश बदल जाए ये सब कुछ, तो नेगेटिव और पॉजिटिव साथ फिर भी चल रहा है। अगर नहीं होता ना तो दुनिया में कोई भी कुछ भी नहीं हासिल कर सकता, कुछ भी नहीं हासिल कर सकता कोई भी, क्यों, क्योंकि फिर हम हार जाते, थक के बैठ जाते, लेकिन एक चीज जो ये पेट है ना जिसको कहते हैं भूख हंगर, वो नहीं जीने देता, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता आपको मिल ही जाएगा, इधर दिस वे इधर दैट वे, बट इट इज गोइंग टू बी माई वे, चाहे इस रास्ते से हो चाहे उस रास्ते से हो, लेकिन होगा मेरे ही रास्ते से, जो रास्ता मुझे उस एक पल पे नजर आएगा ना कि हाँ मुझे अब क्या करना है, उस दिन आपका दिन होगा, तब आप ऊपर देख के ये नहीं कहेंगे कि मेरे साथ ही क्यों, तब आप ऊपर देख के ये कहेंगे कि हाँ ये सबको मिलना चाहिए ये सुख, ये सबको, आई विश कि सारे सबको मिले, हर चीज मिले, हर सपने सबकी आंखों के पूरे हो, तभी हम बी पॉजिटिव को जितनी दुनिया तक पहुंचा सकेंगे ना पहुंचा पाएंगे। सो जस्ट बी हैप्पी, जस्ट बी पॉजिटिव, ये पल जो आज जाएंगे वो पल दोबारा फिर नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि क्या पता क्या लिखा है हमारी लाइफ में, बहुत कुछ अच्छा लिखा है, तो लेट्स जस्ट कीप ड्रीमिंग। ललिता जी आप क्या कहेंगी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, पता है आप में एक आप अलग से एक मोटिवेट करती हैं सबको, आपने जिस उम्र में पढ़ाई खत्म करी उस उम्र में ना लोग यही सोचते हैं कि अब तो मेरे पोता पोती खिलाने के दिन है, कहां मैं पढ़ाई लिखाई का झंझट करूंगी, लेकिन आपकी एज को आपके जज्बे को और आपके जुनून को ना सैल्यूट बनता है। थैंक यू मैम आपके लिए कि आपने मेरे लिए इतना कुछ बोला, सारे गुणों की तारीफ आपने कर दी, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, और आपकी वजह से ही
मैं इस ओ कनेक्ट पर भी आज आई हूँ। आज ही मैंने देखा कि मैडम ने ये नया शुरू कर दिया, तो ओ कनेक्ट पर ही जाऊं। तो मैं सभी को बधाई देती हूँ कि ये हमारा सेशन वापस शुरू हो गया और वापस हम सारी बहनों को एक साथ मिलाने का जो आपने बहुत बड़ा और अच्छा कार्य किया है, इसके लिए तहे दिल से आपको भी धन्यवाद और अपनी सारे समूह की बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम इस मंच पर एक साथ आए और अपने विचारों को रखें। आज आपने जो लिया है सेशन, ये बहुत ही बढ़िया लिया कि हमारी सकारात्मक सोच होनी चाहिए। ठीक है, नेगेटिव सोच तो रहती ही है, किसी में कम रहती है और किसी में अधिक रहती है। अधिक के लिए यही है कि हमें अधिक से अधिक अपनी ही कंपनी के जो OES पर मैसेज आते हैं, वो फाउंडर्स पर आते हैं, पॉपअप आते हैं, उन्हें हमें देखना चाहिए, उन्हें हमें समझना और सुनना चाहिए। और जो भी हमारे ग्रुप में अच्छे लीडर्स हैं, उनके जितने भी संदेश चाहे YouTube के जरिए आ रहे हों या अपने ग्रुप के माध्यम से आ रहे हों या फिर अब जो ओ कनेक्ट शुरू हो गया है उसके माध्यम से आ रहे हों, हमें जरूर देखने चाहिए, हिंदी में आ रहे हों या इंग्लिश में आ रहे हों, और एक दूसरे से अपने को जोड़कर रखना चाहिए। जो भी हमारे ग्रुप में हैं, जो हमें एक दूसरे को जानते हैं, उनके नंबर सारे व्हाट्सएप ग्रुप में होते हैं। आप जिससे भी चाहो उससे मिलकर उन समस्याओं को दूर करते रहना चाहिए, क्योंकि अपनी कंपनी कोई छोटी कंपनी तो है नहीं। जिस किसी भी कंपनी ने शुरुआत की है उसने संघर्षों का दौर देखा है और वो संघर्षों को पूरा करने के बाद ही उन्होंने शुरू की है। हमारे ऐश मुफरे सर ने शुरू से ही इस कंपनी को मजबूत बना दिया। सिर्फ हम सबको लेकर तो वो पेश करने जा रहे हैं, अब इसमें छोटी मोटी अड़चने तो आएंगी ही, क्योंकि यह एक जगह का कार्य नहीं है, इसमें अनेक देश शामिल हैं, वहां पर उनकी नीतियां शामिल हैं। उन सबको मद्देनजर रखते हुए ऐश सर ने दुनिया का सबसे बड़ा कार्य किया है। तो हमारे अंदर नेगेटिविटी आने का तो कोई कारण रहना नहीं चाहिए, फिर भी किसी वजह से आ भी जाए तो दूर करने के लिए हमें फोन पर एक दूसरे से बात करके, हम सब एक दूसरे से बात कर ही लेते हैं और समस्या का समाधान हो जाता है। तो हमें सकारात्मक सोच इसी प्रकार से रखनी चाहिए जैसे कि हम कभी आधा गिलास पानी डाल लेते हैं पीने के लिए, और अगर हम उस आधे गिलास के लिए ये सोचें कि आधा गिलास खाली है तो हम पानी पी नहीं सकते, और अगर हम ये सोच लेते हैं कि आधा गिलास पानी है इसको पूरा खत्म करना है तो हम पानी पीकर अपनी प्यास भी बुझा लेते हैं। और हमारी जो सकारात्मक सोच है उसके जरिए हम उस कार्य को पूरा कर लेते हैं। इसलिए हम सभी बहनों को एक दूसरे के विचारों को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए छोटी छोटी बातों को पूरा करते रहना चाहिए। बस मैं इतना ही कहूंगी, क्योंकि बहुत सारी बातें तो हमारी सारी बहनों ने कर ही दिए सकारात्मक सोच के लिए। थैंक यू रेखा मैम, थैंक यू पूर्ण ग्रुप, ओवर टू यू। हेलो, थैंक यू सो मच जी। जी, यस मैम, यस मैम, कंटिन्यू मैम। हाँ जी विजय जी, कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ललिता मैम, आपकी जो शेयरिंग थी ना, माइंड ब्लोइंग थी। और ये अनुभव है, देखिए उम्र का तकाजा है ना, आपने अपनी जिंदगी से जितना सीख चुके हैं हम शायद ही अभी उस टाइम तक पहुंचे नहीं हैं, और हमें आप लोगों से सीखने की जरूरत है। मैं आपको सुन रही थी और इमेजिन कर रही थी कि मेरी आप मेरी लगभग मेरी सासू माँ के एज के होंगे, और
मेरी सासू माँ तो कहीं ऐसे ही मतलब फोन तक भी चला नहीं पाते हैं, और आप देखिए कितने अच्छे विचार यहाँ ओक नेट पर शेयर कर रहे हैं। तो ये है कि सीखने की इच्छा है ना, ये सीखने की जो इच्छा होती है ना, ये यही हमें सिखा देती है, सब कुछ आगे बढ़ाती है हमें। तो मैं अभी अपने हस्बैंड को कह रही थी, देखिए मैम को देखकर मुझे मम्मा की याद आ रही है, और हमारी मम्मी तो फोन भी मतलब रिसीव कर लेती है सिर्फ, लेकिन उन्होंने आगे सीखने का सोचा नहीं, तो वो अभी वहीं पर हैं। तो ये मतलब सीखने का जो है ना, ये कभी रोकना नहीं चाहिए हमारी लाइफ में, और हम लोग आप लोगों से सीख रहे हैं मैम। थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और नेक्स्ट जी मैम, जी मैम आपको देखकर इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है ना मुझे, सच में मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है कि अगर आप इस एज में यहाँ पर वो कनेक्ट पर है, तो फिर हम क्यों पीछे हटते हैं हर एक सिचुएशन से, हमें लड़ना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच ललिता मैम। और नेक्स्ट मैं सरिता मैम को बुलाना चाहूंगी, अगर सरिता मैम आप अभी अवेलेबल है तो मोस्ट वेलकम मैम, आपका मंच पर स्वागत है। थैंक यू सो मच विजय जी मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए, थैंक यू सो मच। जिंदगी की हर सुबह हमारे लिए कुछ शर्तें लेकर आती हैं, और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। तो यस, वी वर वुमेन के सेशन पर सभी का मैं बिल्कुल तहे दिल से वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ और अनपैसिव नमस्कार करती हूँ आज के होस्ट, को होस्ट, ऑल पैनलिस्ट, सभी को दिल से शुक्रिया। और आज का टॉपिक तो यस बिल्कुल फैंटास्टिक है, और शुरुआत इतनी बढ़िया हो चुकी है हमारे गायत्री मैम, रेखा मैम एंड विजय जी और साथ ही ललिता जी, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी शेयरिंग है। और लाइफ में पॉजिटिव अगर रहना है ना, तो भाई किसी ना किसी अच्छे तजुर्बेकार पर्सन को सुन लो तो आप अपने आप ही पॉजिटिव हो ही जाते हो। कहते हैं ना कि पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती, मृत्यु तो तब होती है कि जब आपको तैरना नहीं आता। तो परिस्थितियां बिल्कुल भी किसी को कह सकते हैं ना, परिस्थितियां ना तो अनुकूल होती है ना ही प्रतिकूल होती है, वो इफेक्ट तब लाती है कि जब हम उसके ऊपर में कुछ अपना रिएक्शन नहीं दे पाते या हम उसका कुछ कर नहीं पाते, हम उसको किस नजरिए से देखते हैं, किस तरीके से उसे यूज करते हैं, या किस तरीके से हमारा कह सकते हैं हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो बिल्कुल लाइफ है, लाइफ में अप एंड डाउन चलता रहता है, जिंदगी है, कभी गम है, कभी खुशी है, कभी मीठा है, कभी खट्टा है, कभी नमकीन, कभी खारा तो कभी कड़वा, कभी कसैला, हर चीज का स्वाद जिंदगी देती है, और हर स्वाद तो हमें लेना ही है बैलेंस बनाने के लिए। साइकिल होती है ना, साइकिल में सवारी करना आसान अगर होता तो बात ही क्या होती, हर एक पर्सन साइकिल चलाना सीख लेता। बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, अगर आपने बैलेंस बनाना सीख लिया ना, तो फिर तो आप साइकिल बहुत अच्छे से चला लेंगे। तो इसीलिए चलती का नाम गाड़ी है, और अपने आप को चलाते रहना है। रुक गए, स्टॉप हो गए, तो भाई मशीन में भी जंग लग जाता है, इंसानों की क्या बात है। और कोई नहीं चाहता कि अगर हम दुनिया से विदा हो, अलविदा हो, तो हम बिस्तर पकड़े या फिर हमें ये कह सकते हैं कि हॉस्पिटल में हमारी मौत हो। हर कोई चाहता है कि भाई हम चलते फिरते जाएं, अपना काम खुद करते हुए जाएं, इंडिपेंडेंट होकर के, एक बोलते हैं ना आजादी। और इन सारी चीजों से तो महिलाएं बहुत अच्छे से फेस होती हैं, उन्हें बहुत ये चीज का एहसास होता है। आज मंच के द्वारा बताऊंगी कि महिलाओं के वो दिन जब वो खुद को कितना अपने आप को अकेला महसूस करती है, अपने आप को कितना डिप्रेशन महसूस करती है कि वो कुछ कर नहीं पाती, वो कुछ मतलब आगे बढ़ नहीं पाती हैं, किसी चीज को टच नहीं कर पाती, कुछ अपने मन का कर नहीं पाती, किसी और के बेसहारे रह जाती है, अपने आप को कितना बेबस महसूस करती है, अपने आप को कितना वो कहते हैं ना बंधन से महसूस करती हैं, जैसे एक चिड़िया को पिंजरे में कैद कर दिया जाता है, और जब उसे आजाद कर दिया जाता है तो कैसे फड़फड़ाते हुए उड़ करके चली जाती है। तो यस, आजादी का महत्व वही लोग समझते हैं जो कैद में होते हैं। और चिड़िया को अपने पंखों पर भरोसा है, वो डाल पर बैठती तो ये नहीं कि वो डाल के ऊपर उसने अपने आप को छोड़ दिया है, अपने आप को बेसहारा छोड़ दिया है, डाल कट भी जाएगी तो चिड़िया को अपने पंखों के ऊपर भरोसा है कि यस
डाल ने मेरा सहारा नहीं दिया तो क्या हुआ, मुझे अपने पंखों पर भरोसा है मैं उड़ जाऊंगी। तो वही चीजें हम महिलाओं के लिए भी आती है, हमें जब एक मौका मिल जाता है, एक समय मिल जाता है, या कहे किसी का एक ऐसा हल्का सा टच मिल जाता है, हल्का सा सपोर्ट मिल जाता है कि भाई तुम करो, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, मैं तो हूं, फिर वो महिला क्या नहीं कर सकती। क्योंकि दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो महिलाएं कर नहीं पाती। आज किस फील्ड की बात करेंगे, किस फील्ड पर आप जाना चाहेंगे, हर एक फील्ड में, हर एक बिजनेस में, हर एक जगह महिलाओं ने अपने आप को प्रूफ करके दिखाया है। लास्ट ही अगर आप सभी ने देखा सुना होगा तो हमारे ढिल्लन सर की बेटी जो कि पायलट बन चुकी है, कितना प्राउड फील हुआ हमें, क्योंकि हमारी ही एक फैमिली मेंबर है ना जिसने एक मुकाम हासिल किया है, ऐसा लगा कि हमने वो मुकाम हासिल कर लिया। आज मंच पर मुझे सब जानते हैं, सब पहचानते हैं, क्यों जानते हैं, क्यों पहचानते हैं, क्या मैंने तीर मारा, क्या मैंने ऐसा अनोखा काम किया, मैं तो कहीं की पायलट नहीं हूं, मैं कोई बिजनेस की कोई सीईओ भी नहीं हूं, ना ही मैं कोई ऐसा कोई डिग्री हासिल करके आप सभी के सामने बहुत अच्छा कह सक रही हूँ, कुछ बता पा रही हूँ, कुछ ऐसा सब्जेक्ट के बारे में बता रही हूँ। अरे ऑन पैसिव की ही बात ले लीजिए, टूल्स की ही बात ले लीजिए, बस सीख रही हूँ थोड़ा बहुत, जो सीख लेती हूँ वो आप सभी के साथ में शेयर कर लेती हूँ। तो कोई ऐसा टेक्निकल पर्सन भी नहीं हूँ, ना ही कोई ऐसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, भाई मोबाइल का फीचर ही इतने अच्छे से नहीं आता तो भैया कंप्यूटर की क्या बात है, कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता, फिर भी आप सभी दाद देते हैं, आप सभी वाह वाह करते हैं, आप सभी इतना प्राउड फील करते हैं, क्यों करते हैं, कुछ तो होगा पर मुझे नहीं पता वो क्या है। हाँ ये हो सकता है कि कुछ एक बातें हो सकती है, कुछ एक ऐसा तजुर्बा हो सकता है जो मैं अपनी शेयरिंग के माध्यम से आप सभी के सामने शेयर कर पाती हूँ, कुछ बता पाती हूँ, तो आपको लगता है कि यस बिल्कुल क्या बात है क्या कहने। अरे क्वालिटी तो हम सभी में है, किसी में ऐसा नहीं है कि क्वालिटी नहीं है, क्योंकि भगवान ने जब बनाया ना बड़े फुर्सत में रह करके बनाया, बहुत आराम से बनाया, इतनी कोमलता दी, इतना सहनशीलता दी, क्यों दी, क्योंकि उसे पता था कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे समय आएंगे, ऐसे बहुत सारी रीजन आएगी, ऐसे बहुत सारे माहौल आएंगे जब इन महिलाओं के इन कंधों पर वो ताकत देनी होगी, वो एहसास इसे देना होगा कि यस ये खड़े हो सके, ये किसी को सपोर्ट कर सके, किसी को बोल सके कि भाई तुम चलो तो सही, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। लेकिन हम महिलाएं भी क्या है कि अपने आप में ही कमी देखती हैं, अपने आप में ही वो कह सकते, अरे ये स्वभाव है हम सभी का, अरे मैं इतनी सारी बातें भी आप सभी से कर लेती हूँ लेकिन मेरा भी यही स्वभाव है, चार नहीं 10 बना दूंगी घर में डिशेस, लेकिन मुझे जो पसंद है वो तो मैं कभी बनाऊंगी कि नहीं बनाऊंगी वो मुझे नहीं पता, पता नहीं मुझे, क्योंकि याद ही नहीं आता ना, लगता ही नहीं, अरे जान दो ना इसकी पसंद का बना लेते हैं यही खा लेंगे, ये आदत है हम सभी की, बच गया अरे वेस्ट जाएगा, अरे कुछ तो काम आएगा, चलो पेट ही तो भरना है खा लेते हैं, ये हम सभी की आदत है और ये जाएगी भी नहीं, अगर हम मर भी जाएंगे ना तो भी नहीं जाने वाली ये आदत, चाहे कितनी ही हम कोशिश कर ले, चाहे कितने ही हमारे पास में पैसे ही क्यों ना आ जाए, फिर भी हम देंगे, फिर भी हम वो बोलते हैं ना एक अंदर में कोमलता हमारे रहेगी रहेगी, चाहे कितने ही हार्ड हम क्यों ना हो जाए, चाहे हम कितने ही किसी से नफरत क्यों ना करने लग जाए, हमारे अंदर वो कोमलता कभी खत्म होने वाली भी नहीं। लेकिन खुद से भी प्यार होना बहुत जरूरी है, उस गॉड के ऊपर विश्वास रखना भी बहुत जरूरी है, आज आपके साथ कोई खड़ा हो या ना हो लेकिन आप अपने साथ खुद खड़े हो, आपके साथ आपका भगवान खड़ा है, आपके साथ आपका वो गॉड खड़ा है जिसने इस दुनिया में आपको भेजा। ऑन पैसिव में यूं ही नहीं कदम रखा हमने, कुछ ऐसी बात है, कुछ ऐसा वो एहसास है, कुछ ऐसा वो कारण है जिसके रीजन से आज हम सभी एक साथ जुड़े हैं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं वो कड़ी है जो हम सभी को मिलाती है, और वो कड़ी कहीं ना कहीं छुपी हुई है, वो हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि दुनिया में ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ऐसी बहुत सारे
केस कह सकते हैं, ऐसे बहुत सारे किस्से कहानियां कह सकते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं चलता, जिनके बारे में हमें नॉलेज भी नहीं होती। कितने ही आप सीबीआई लगा लीजिए, कितने ही आप सीआईडी लगा दीजिए, बट ऐसे बहुत सारे केसेस है ना जो सॉल्व नहीं होते। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारी नजरों के सामने आते तो हैं लेकिन उनकी गहराई हमें नहीं पता होती है। फिर हम कैसे किसी को इतना समझ पाएंगे, किसी के अंदर का किस कैसे बात कर पाएंगे। ऑन पैसिव को समझना अगर इतना आसान होता तो हर एक पर्सन इसे बहुत अच्छे से समझ लेता और हर एक पर्सन यहाँ पॉजिटिव होता। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव का ना बातें नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं ना एक शीतल दरिया की जैसे वो पानी के बहाव ही होता। कभी यहाँ पर सूखे रेत की या सूखे रेगिस्तान की बातें नहीं होती, हर तरह की बातें होती है यहाँ पर। तो ऑन पैसिव को समझना है, इसके अंदर की जो फीलिंग है उसको समझना है, इसके अंदर की जो गहराई है उसको समझना है। समुद्र में उतरना बहुत आसान है लेकिन उसकी गहराई को नापना बहुत मुश्किल है। लेकिन गहराई में उतर के तो देखिए आपको हीरे भी मिलेंगे, मोती भी मिलेंगे, जवाहरात भी मिलेंगे और खुशियां भी मिलेगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। और हाँ एक चीज और भाई, ब्लड ग्रुप भी मेरा बी पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव तो ऑलरेडी रहना ही है क्योंकि ब्लड ग्रुप भी मिला है मुझे बी पॉजिटिव। सो थैंक यू सो मच एवरीवन मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतना मुझे सम्मान देने के लिए और मेरी बातों को इतने ध्यान से सुनने के लिए। एंड ओवर टू विजय जी। थैंक यू सो मच सरिता मैम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें हमारे साथ शेयर की मैम। वो बिल्कुल जो भी बातें आपने करी बिल्कुल सही बातें करी मैम आपने। बिल्कुल आपने कहा ना कि ऑन पैसिव एक समंदर है। हम कितना ही जानते हैं अभी ऑन पैसिव को, हम तो थोड़ा सा भी नहीं जान पाए हैं अभी। फिर हम कैसे सोच लेते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल आपने बहुत सारी बातें मैम आज आप हमारे साथ शेयर की और आपको जब भी सुनते हैं ना मैम तो पता नहीं अंदर से ऐसे लगता है कि कैसे सरिता मैम इतना अच्छा अच्छा कैसे बोल लेते हैं, कैसे इनको इतनी बातें कहाँ से आती हैं। तो ये सारा हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं मैम और बहुत सारी बातें आपकी बहुत अच्छी दिल को छू जाती हैं मैम। थैंक यू सो मच सरिता मैम। एंड नेक्स्ट मनोरमा मैम है हमारे बीच में, सो मोस्ट वेलकम मनोरमा मैम। आप भी आए और अपने दो शब्द कहें मैम आज के सेशन पर। मोस्ट वेलकम मनोरमा मैम। मनोरमा बधु मैम अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम मैम। ओके कंचन मैम है हमारे बीच में, सो कंचन मैम को इनवाइट करती हूँ। कंचन खाड़े मैम प्लीज मोस्ट वेलकम है आपका मंच पर मैम, आप आए और अपनी अपनी शेयरिंग रखे मैम, मोस्ट वेलकम। जी जी मैम, थैंक यू सो मच विजय कुमारी मैम फॉर इनवाइटिंग मी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को गुड इवनिंग एंड सभी को नमस्ते। इस हमारे वाव वुमन के मंच पर उपस्थित सभी मेरे प्यारे प्यारे बहनों को सभी को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है बी पॉजिटिव, बहुत ही सुंदर टॉपिक रखा है। और हमारी रेखा मैम, हमारी सरिता मैम, हमारी गायत्री मैम, विजय कुमारी मैम, सभी ने बहुत अच्छे से शेयरिंग रखी। हमारी ललिता मैम ने भी बहुत अच्छे से यहाँ पे अपनी शेयरिंग रखी। और सुपर्णा मैम की क्या बात करूं मैम, हर टाइम बहुत अच्छा शेयरिंग रखते हैं, बहुत बढ़िया। जैसे हमारे रेखा मैम ने कहा ना कि एकदम शॉर्ट में लेकिन बहुत कुछ बोल जाती है हमारी मैम, बट आज मैंने उनको फर्स्ट टाइम सुना है कि इतना मतलब इमोशनल होते हुए, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। सुपर्णा मैम आप हर वक्त एकदम हंसते हंसते रहते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच विजय कुमारी मैम। एंड आज का जो टॉपिक है वाकई में बहुत बढ़िया है मैम। जैसे मैं बोलूंगी तो मैंने भी आज तक मेरे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को मतलब फेस किया है मैम। तो जैसे मैं लेकिन कभी मैं निगेटिव नहीं हुई, हमेशा बोलती थी पॉजिटिव रहूंगी तो पॉजिटिव ही रहूंगी, क्योंकि जैसा हमारे मतलब हम सोच रखते है ना मैम वैसा हम बन जाते। अगर मैं निगेटिव सोचूंगी तो मैं निगेटिव ही बनते जाऊंगी, अगर मैं खुद पॉजिटिव सोचूंगी तो मैं पॉजिटिव ही बन जाऊंगी। जैसे हमारे अभी गायत्री मैम ने भी बोला कि हमारे आय सर कितना कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, जैसे वो देखिए ना अभी 24 आवर्स वहां पे काम करते हैं, जो भी कुछ मतलब वो अभी हमारे विजय मैम ने भी बोला, मैंने क्योंकि रात का वेबिनार अटेंड नहीं किया नेटवर्क के कारण, तो कितने थके थके से थे हमारे जो आय सर आए थे रात में,
तो इतना कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, इतना सब कुछ मतलब जो भी कर रहे हैं हमारे सभी के लिए कर रहे हैं। तो एक ही बात बोलना चाहूंगी मैं, जैसे कि इतना कोई किसी के लिए नहीं करता, इतना 24 आवर्स वर्क करना और जैसे भी उसमें से टाइम निकल के आना और जो मीटिंग में आते हैं और हमें कुछ ना कुछ अपडेट दे के ही जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो निगेटिव होते हैं ना, तो छोटी मोटी गलतियां निकलते रहते हैं। जैसे शादी में भी होता है ना कि हम शादी रहती है तो हमें उसमें कितना कितना कुछ तैयारी करना पड़ता है। मतलब शादी तो 1 या 2 घंटे की रहती है लेकिन हम कितने महीनों से उसके मतलब वो तैयारियां करते हैं, उसी हिसाब से हमारे ऐसा इतना कुछ करते हैं और आके जैसे टाइम मिल जाता है तो आके हमें जो भी अपडेट रहता है। कल भी शायद उनको टाइम नहीं था, शायद हमारे डिलन सर ने बोला था कि वो 15 मिनट के लिए आए थे, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो कुछ रहता है वो हमें आके हमारे बीच में शेयर करके जाते है, तो यही हमारी फैमिली है। वाकई में बहुत अच्छा लगता है हमारे जब हमारे ऐसर आते हैं तो थैंक यू सो मच विजय कुमारी मैम, आपने मुझे इनवाइट किया मैम। और बिल्कुल भी हमें पॉजिटिव ही रहना है, बिल्कुल हमें निगेटिव नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, तो बिल्कुल हमें ऑन पेशेंस के साथ बने रहना है मैम। और जैसे हमारे ऐसर भी बोलते हम सभी हमारे ऐसर के पिलर से, जैसे होता है ना कि एक मकान बनाने के लिए अच्छे से अच्छा अगर हम पिलर्स तैयार करते हैं तभी हमारा जो मकान है वो अच्छे से अच्छा खड़ा होता है। तो बिल्कुल हमें ऐसर के साथ रहना है, पॉजिटिव रहना है, इतना ही बोलना चाहूंगी मैम। और ओवर टू यू विजय कुमारी मैम, थैंक यू सो मच मैम, वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू, थैंक यू सो मच कंचन मैम, थैंक यू सो मच आपकी इतनी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए मैम। और बहुत दिनों बाद सुना आपको, बहुत ही अच्छा लगा मैम, और थैंक यू सो मच मैम, आपकी बहुत ही अच्छी शेयरिंग रही, बिल्कुल सही बातें आपने भी रखी मंच पर मैम, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शारदा कुमारी मैम है हमारे बीच में, सो मोस्ट वेलकम शारदा कुमारी मैम, आप आए मंच पर और अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग दे मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू विजय मैम, थैंक यू सो मच। आवाज आ रही मेरी? यस मैम, कंटिन्यू मैम। ओके, थैंक यू विजय मैम, थैंक यू सो मच। और सच में आज इस वाव वुमेन्स में बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज हमारा जो सेशन चल रहा है बहुत दिनों बाद यहाँ पे आए हैं हम लोग और इस चीज को फिर से एंजॉय कर रहे हैं। और हमारी रेखा मैम तो बहुत ही समझिए हम लोग को सपोर्ट दी है आज तक, और जिस तरह से हम लोग को अभी यहाँ पे मंच दिया है बहुत थैंक्सफुल हूँ रेखा मैम आपके लिए, क्योंकि आज जो हम लोग इतने बोल रहे हैं, इतने एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे का केयर भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। अगर कोई किसी को प्रॉब्लम्स होते हैं, चाहे किसी को किसी चीज की जैसे जानकारी लेनी होती है तो उसके लिए भी हम लोग सारे लोग बिल्कुल अपने हिसाब से बताते हैं और उसको समझाते हैं। तो थैंक यू एंड जितने भी आए हुए पैनल में सबको मेरा गुड इवनिंग, एंड जितने भी हमारे जो अभी बोली जैसे कि हमारी सारे मैम जितने लोग बोली हैं, सरिता मैम हो, चाहे ललिता मैम हो, सुपर्णा मैम हो, विजय मैम हो, तो पॉजिटिव की बात जहां तक है मैम तो पॉजिटिव बिल्कुल भी अपने अंदर एक बोलते हैं ना कि हमारे अंदर एक पावर, अगर हम उस पावर के साथ चलेंगे तो हम लोग को बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं होती है। और हमेशा अगर आप पॉजिटिव, अगर निगेटिव आती भी है और अगर आप अपने अंदर से फिर से सोच लो कि नहीं नहीं ये कुछ मायने नहीं रखता, ये कुछ भी गलत नहीं हो सकता है, हमारे बिल्कुल भी सारे काम अच्छे होंगे और ये अच्छा से चलेगा। तो मैं एक और अपना पॉजिटिव का थॉट बताना चाहूंगी मैम कि बहुत बड़ा पॉजिटिव मेरे अंदर का सोच ही हमारे अंदर का आज मुझे मिला है। और जैसे कि हमारे एक बेटी हुई थी, जबकि हमारी जेठानी लोग को भी बेटी थी और मेरे सास लोग को भी लगता था कि सबको बेटी है तो इसको भी बेटी ही हुई। तो मेरी फर्स्ट बेटी जब हुई तो सब लोग बोलने लगा पूरा कि अब इसको भी बेटी हो गई। तो कहीं ना कहीं ये चीज अभी भी चल रही है मैम, और इस चीज को मैं बहुत ही अंदर से खलती थी कि आखिर कोई भी चीज हो बट हमारे अंदर से एक जीव की यहाँ पे जन्म हुई है तो कुछ भी हो जैसे हम हैं वैसे ही मेरी बेटी। तो यहाँ पे गलत सोच निगेटिव सोच क्यों ले लेते हैं कि इसको भी हो गया, इसको भी अब होगा, ऐसे मतलब बोलने लगे सारे लोग।
फिर मेरा सेकंड टाइम प्रेगनेंसी रहा तो बहुत मेरी जिठानी लोग बोलने लगी कि क्यों इतनी जल्दी चांस ले ली, जैसे कि मेरे 2 साल हो गए थे। तो मेरे अंदर एक बहुत ही अंदर सा एक पावर है कि नहीं, इन लोगों को बोलने से क्या होगा, मेरे अंदर जो भी होंगे वो अच्छा होगा, और शायद इस बार ऐसा होगा ना कि सब लोग मेरे पे नाज करेंगे और सब लोग इस चीज को समझेंगे। तो मैं मन ही मन अपने ही परमात्मा, जो भी मेरे गॉड है, चाहे जो भी भगवान है, सबको मैं बस यही कहती थी कि जो लोग मुझे ऐसा सोचते हैं, बट मैं नहीं सोचती भगवान, मैं बिल्कुल आपके विश्वास पे हूँ और मेरा सोच बिल्कुल पॉजिटिव है, मैं जो चाहती हूँ वो चीज मिल जाएगा। और मुझे अंदर से एक पावर मिलती थी कि जो लोग जो बोल रहे हैं उनका मुझे कोई असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग मुझे अबॉर्शन की बातें करने लगी थी और बहुत कुछ जैसे मन में एक थॉट देने लगे, गलत गलत निगेटिव बातें बोलने लगे, तो मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैनिक होती, लेकिन फिर से मुझे एक अंदर सा पावर आता पॉजिटिव थिंग कि नहीं, जो भी होगा मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। और मैं इस चीज को फिर सोच के फिर मैं पॉजिटिव में आ जाती थी, और मैं अपने भगवान से यही करती थी कि मुझे ऐसा इस बार नहीं होगा, क्योंकि मैं अंदर से बिल्कुल फील कर रही हूँ कि मेरे जो भी अभी आने वाले समय है उसकी लोग बहुत ही इस चीज को मानेंगे, और जो मैं गलत हो रही हूँ सबके नजर में कि इतनी क्यों जल्दी ऐसे कैसे कर ली है, तो ये चीज बिल्कुल भी आगे मुझे नहीं होगा, क्योंकि मेरे अंदर कहीं ना कहीं ऐसी पॉजिटिव ही थी कि मैं सोच रही थी कि नहीं, इस बार मुझे बिल्कुल भी सब चीज अच्छा फील होगा। और ये पॉजिटिव मेरे अंदर इतनी ज्यादा इतनी पावर थी, और मैं भगवान पे भी इतना विश्वास होता है ना कि एक थिंकिंग विश्वास अपने अंदर रख के, और मैं उस चीज को सारे लोग की बात को बिल्कुल एक साइड रख के मैं अपने आप में सिर्फ अपने अंदर का पॉजिटिव को लेके और मैं उस चीज को फेस की मैम, तो आज मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पॉजिटिव की बात को रखना था, तो मैं एक ऐसी पॉजिटिव ही से निकली हूँ और अभी भी मैं पॉजिटिव रहती हूँ। तो मेरा फिर वो बेटा हुआ, और बेटा होने के बाद लोगों को इतना मेरे ऊपर फिर हुआ कि हम लोग तो ये बोल रहे थे, ऐसे बोल रहे थे, लेकिन इसको तो लड़का हो गया, अब चलो, मतलब वही लोग फिर आज तक मुझे मेरे घर में जितने भी है ना, जैसे 3 जेठानी है, तो तीनों में मेरा ही एक लड़का हुआ, आज तक किसी को फिर नहीं हुआ। तो आज भी इस चीज को कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया जाता है कि 5 बहन का 1 भाई है। तो आज मुझे ये सिर्फ और सिर्फ मेरे सोच और मेरे पॉजिटिव की वजह से आज मैं यहाँ पे सबको अब मतलब बोलते हैं ना कि मेरे एक सोच में सबको मुझे निगेटिव बोल रहे थे, सब लोग मुझे गलत ठहरा थे, लेकिन आज मेरा वो अंदर का पॉजिटिव, मेरे अंदर जो सोच थी, विश्वास थी, आज मुझे सब लोग इस चीज को मानते हैं और सब लोग बोलते हैं कि इतना कुछ सब लोग बोला, लेकिन तुम बिल्कुल भी अपने इरादे से नहीं हटी। और आज मेरी जेठानी लोग भी बोलती है कि तुम्हारा डिसीजन जो था वो सही था। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ऐसी पॉजिटिव होती है, भले ही हम लोग को थोड़े देर के लिए निगेटिव का सामना करना पड़ जाता है, लेकिन अगर हम सोच लेंगे कि नहीं निगेटिव ही होगा, तो आप कहीं ना कहीं निगेटिव के साथ अगर जरा सा भी जाएंगे तो आपके साथ सच में गलती और गलत होने लगेगा, क्योंकि अगर आपकी सोच थोड़ा सा भी निगेटिव होगा तो आप बिल्कुल भी अपने आप में कमजोर होने लगेगा और अंदर से आप टूटने लगेगा, फिर आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। लेकिन हाँ, वही चीज अगर आप पॉजिटिव में लेके बोलिए, सब चीज ठीक हो जाएगा, सब तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत किसके साथ नहीं होता है, तो आप देखिए कि धीरे धीरे सच में शॉर्ट आउट होके और बिल्कुल भी आपके साथ अच्छा ही अच्छा होने लगेगा। तो आज मेरा ऑन पेंसिल भी जैसे कि आया है, तो हम लोग सब लोग पैनिक हो रहे थे और बहुत लोग का ये सोच होने लगा था कि बहुत टाइम लग गया, बहुत देर हो गया, परचेस भी किए 3 मंथ हो गया, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो कहीं ना कहीं सबकी सोच में निगेटिव होने लगी थी, जिसकी वजह से सब लोग को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चालू हो रहे थे। लेकिन हम लोग अगर पॉजिटिव रहेंगे कि अगर वहाँ पे वर्क वर्क चल रहा है, अभी टाइम लग रहा है,
तो और भी अच्छे से अच्छा होने वाला है। तो थोड़ा सा हम लोग और इंतजार कर लेंगे, थोड़ा सा और अगर प्रॉब्लम्स को है तो फेस कर लेंगे। अगर कहीं ना कहीं हम लोग ये चीज से थॉट्स को लेके चलेंगे तो हम लोग बिल्कुल भी पैनिक नहीं होंगे। और मैं तो कहती हूँ कि मैं जब से ऑन पैसिव के लिए हूँ तो कभी आज तक मैं पैनिक नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बस ये लगता था कि हमारे एस सर जो इतने सारे फाउंडर को दिए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी अच्छी ही वर्क के वजह से, चाहे वो अपने ह्यूमिनिटी, चाहे हमारे अंदर जैसी ह्यूमिनिटी के पावर लाने के लिए, चाहे अच्छे करने के लिए जो इतने बड़े कदम उठाए, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए कुछ इतना बड़ा होगा जिसके लिए इतना टाइम लग रहा है। तो टाइम लगने से हमें कुछ भी वैसा नहीं सोचना चाहिए, बस ये सोचना चाहिए कि जब भी होगा बहुत ही अच्छा होगा, वो हमारे लिए ही होगा। और ये सोच के साथ अगर रहेंगे तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं घबरा पाएंगे और ना पैनिक होंगे और ना कभी हम लोग इस चीज को कभी आने देंगे। तो मैं तो बिल्कुल भी आज तक जो भी मैं अपने आप में सोचती हूँ तो बस थोड़ा ही थोड़ा मैं खुश भी रहना चाहती हूँ, हमेशा रहती भी हूँ। और जो भी हमारे पास दिए हैं भगवान ने, बहुत अच्छे से मैं उस चीज को एंजॉय भी करती हूँ, क्योंकि अभी हमारा कोई नहीं जानता है कि इस दुनिया से कब बुलावा आ जाएगा और हम कब चले जाएंगे। तो मैं इस चीज को बिल्कुल भी बेखूबी से, अगर कम पैसे हैं तो भी मैं हर एक चीज को एंजॉय करती हूँ। ऐसा नहीं कि आज कम है तो मुझे ये चीज करना है, उसके फ्यूचर के लिए देखना है, तो मैं बिल्कुल भी फ्यूचर नहीं देखती हूँ, मैं अपने आप से ये बोल रही हूँ। लेकिन हाँ, मैं आज को जरूर देखती हूँ कि मैं आज कितने अच्छे से रह पा रही हूँ, क्योंकि फ्यूचर कोई नहीं देखा है कि हमारे साथ क्या आगे होने वाले हैं। तो लेकिन जो इस चीज को जो आज को एंजॉय करेगा, उसको कभी भी आगे की सोच के पैनिक नहीं होना पड़ेगा और ना कभी वो घबराएगा। तो ये चीज बिल्कुल भी हम सबसे ये शेयर करना चाहेंगे, हम लोग बिल्कुल भी हमारे अंदर एक पॉजिटिव रखिए और अपनी सोच को बिल्कुल अभी ही सोचिए कि मैं जो हूँ उसमें बहुत अच्छी हूँ। और मैं बहुत कुछ बोल चुकी हूँ, अगर कुछ गलती हुई होगी मेरे से तो मैं सॉरी बोल रही हूँ, लेकिन आज मुझे मेरे दिल से ये बोला कि आज पॉजिटिव की बात हो रही है तो मैं अपने इस बात को शेयर करूँ आप लोग से। तो थैंक यू विजया मैम, ओवर टू यू, एंड थैंक यू सो मच जितने भी सारे लोग हैं मुझे सुन रहे हैं। तो ऑल ऑफ यू जितने भी हैं सबको मैं थैंक्स करना चाहूंगी। ओवर टू यू विजया मैम। विजय मैम सुन पा रही मुझे? यस मैम, यस मैम, यस मैम, थैंक यू सो मच श्रद्धा मैम, बहुत वंडरफुल शेयरिंग आपकी मैम, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस जो आपने हमारे साथ शेयर किया अपनी लाइफ का, बहुत ही प्यारी शेयरिंग मैम आपकी। और बिल्कुल जब हम पॉजिटिव रहते हैं ना तो तब हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है मैम। ये देखिए आपने एक्सपीरियंस किया और मैंने भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कर रखा है, तो बिल्कुल हम लोगों को पॉजिटिव ही रहना चाहिए। ठीक है, कभी कभी हो जाता है, नेगेटिव थॉट भी आते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा हमें पॉजिटिव वे की तरफ ही हम लोग जाए। सो आपने बहुत प्यारी शेयरिंग की मैम, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट लीला देवी मैम है हमारे बीच में, सो मोस्ट वेलकम लीला मैम, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम मैम आपका मंच पर, आप आए मैम। हेलो, नमस्ते। यस सर, यस सर, नमस्ते सर। सभी बहनों को नमस्ते, सभी पैनलिस्ट को नमस्ते, को होस्ट को नमस्ते। मैं दुर्गानंद पासवान, लीला देवी के हस्बैंड। सबको पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, और ये कोई नेटवर्किंग नहीं है या कोई क्रिप्टो नहीं है जिसके वजह से हम लोग परेशान होंगे। एक तरह से हमारा ये सिस्टम बन रहा है, तो हम लोगों को पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। और आप लोगों को सुनता हूँ हमेशा बराबर, सारे मीटिंग में अटेंड करता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुश होता हूँ मैं कि आप लोग इतने खुश हैं, आप लोग इतने पॉजिटिविटी रहे
सर आपका नेटवर्क इशू हो रहा है सर, सर आपका नेटवर्क इशू हो रहा है, आपकी कोई भी बात हम तक नहीं पहुंच पा रही है सर। जी जी मैम, जी अभी आ रही है सर आपकी वॉइस, आ रही है मैम अभी आ जी रही है जी सर। तो जी, तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि मेरा कोई अर्निंग सोर्स नहीं है और मैं एक छोटा सा शॉप चलाता हूँ चाय का हिमाचल प्रदेश में। अभी मैं 1 महीना हो गया मैं घर आया हुआ हूँ, तो शॉप बंद है और अभी 10-15 दिन के अंदर मैं जाऊंगा हिमाचल, तो वहाँ फिर से अर्निंग होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं ऑन पैसिव में हूँ या मुझे अर्निंग नहीं आ रहा है, नहीं, क्योंकि अभी हमारा सिस्टम बन रहा है और हमें बिलीव है कि हम एक दिन अच्छा अर्निंग करेंगे। तो मेहनत कर रहा हूँ मैं और मेरी मिसेज लीला देवी मेहनत करते हैं, हम लोग दोनों ही हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, बच्चे गांव में रहते हैं, तो हर तरीके का प्रॉब्लम फेस करते हैं, लेकिन कभी महसूस नहीं करता हूँ मैं किसी तरह का कि कम कमा लिया कि ज़्यादा कमा लिया कि नहीं कमाया। और मैं काम कर रहा हूँ, 4 ID मैंने लिया है फाउंडर। पैकेज भी ले लिया मैंने, 4 ID एक साथ पैकेज लिया, 1 दिन के अंतराल में लिया। और मैं कभी मतलब जैसे कि लोग बहुत लोग जैसे नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन मैं नेगेटिविटी मेरे मन में आज तक नहीं आया, किसी भी हाल में मैं खुश हूँ, पॉजिटिव हूँ। तो सभी को पॉजिटिव रहना चाहिए, आप लोगों ने मेहनत किया है, आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, बिजनेस है एक तरह का आपका, तो आप लोगों को मोटिवेट रहना चाहिए। और आप लोग अगर मोटिवेट है तभी हम लोगों को खुशी मिलता है। जैसे हम लोग छोटे बिजनेसमैन है, छोटा जैसे घर चलाते हैं, तो एक तरह से बिजनेस ही कर रहा हूँ मैं, और मेरे जैसे पता नहीं कितने होंगे, तो उन लोगों को भी खुशी होता है। खास करके मेरी मैसेज है तो वो लगी रहती है कि नहीं आप मीटिंग अटेंड करना और सुनना, मुझे भी बताना, ये बिजी रहती है, लेकिन जैसे मौका लगता है तो आके बैठ जाती है हमारे पास, तो सुनते रहती है हर एक से, लेकिन ये बोल नहीं पाती है, मीटिंग में बोल नहीं पाती है, तो इसलिए ये कभी भी स्पीकर ऑन नहीं कर पाती है, माइक ऑन नहीं करती है, मुझे बोलेगी कि आप ऑन करके बात कर लेना या आप कुछ बोल देना, मुझे बता देना। इनको थोड़ा सा बोलने में मीटिंग में इनको एक तरह से संकोच होता है कि क्या बोलूं क्या ना बोलूं। रेखा मैम इनको बहुत कोशिश की है कि आप आइए मीटिंग में बोलिए बात कीजिए, 2 बार बात भी की है, वैसे फोन पर तो बहुत देर तक लोग परेशान हो जाते हैं इनसे बात करते करते कि इतना देर क्यों बात करती है, मीटिंग में नहीं आ पाती है कि पता नहीं क्या बोल जाऊंगी, क्या समझेंगे, क्या बोलेंगे लोग, इस तरह से नहीं आती है, पर रहती जरूर है साथ में। मैं हिमाचल में भी रहता हूँ, चाय बनाती रहती है, फिर इधर भी देखती रहती है कि क्या बोल रहे हैं कौन बोल रहे हैं, तो ये सब की बात सुनते रहती है, कोई बोलेंगे तो बोलेंगे ये कौन है मुझे बताइए। जैसे सुपर्णा मैम है तो मैं बता देता हूँ सुपर्णा मैम बोल रही है, विजय मैम है तो मैं बता देता हूँ, रेखा मैम को तो पर्सनली ये मतलब बात करी है तो बहुत अच्छे से, वो सरिता मैम, खुशबू मैम सबसे बात करती है तो खुश रहती है मीटिंग सुन सुन के। जब भी मीटिंग का टाइम होता तब मुझे बोलेगी कि आप मीटिंग लगा देना हमारा। बाकी और ठीक है मैम, सब बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है मीटिंग में आके, हम लोग पॉजिटिव है, बहुत अच्छा फील होता है।
आप लोगों की बातें सुनता हूँ, आप लोगों की पॉजिटिविटी सुनता हूँ तो अच्छा लगता है। धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा लगा आज आपको सुनकर सर। थैंक यू सो मच। और लीला देवी मैम को भी हमारी तरफ से नमस्ते कहिएगा, और उन्हें कहिएगा कि जरूर वो मीटिंग में बोले, हम उनको सुनेंगे सर। थैंक यू सो मच सर। और नेक्स्ट हमारे साथ नीता देवी मैम है, सो मच वेलकम नीता मैम। हाँ विजय मैम, इसे कहते हैं पॉजिटिविटी। यस मैम, से उनकी आवाज भी आई थी मुझे, और लीला जी हमेशा मतलब मैसेज उनका हमेशा रहता है, और ना रिप्लाई करूँ ना तो कहीं ना कहीं मतलब मुझे फील होता है कि नहीं मैंने आज रिप्लाई नहीं किया, तो मैं ऑलमोस्ट ट्राई करती हूँ कि जैसे मैसेज आए या सुबह शाम जब भी टाइम मिलता है तो मैं रिप्लाई कर देती हूँ। ये एक पॉजिटिविटी को दर्शाता है कि आप चाहे आपको नहीं आता लेकिन कोशिश पॉजिटिविटी को बहुत दर्शाता है कि मुझे नहीं आता मगर मुझे फिर भी सीखना है और करना है। इनका एक बहुत शानदार सेशन है लीला जी का वाव वुमेन जर्नी में, और इनसे मतलब मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ बहुत ज्यादा। होता है ना कि कोई आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा दे के जाता है, तो इनसे मैंने एक चीज सीखी है कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी है, चाहे कुछ भी परिस्थिति और सिचुएशन हो, हंस के उसको टाल जाना है। इन्होंने अपना मेरे को चाय का पूरा वो एरिया दिखाया था, क्या कहते हैं उसको, स्टॉल जो है उन जहां पर वो लगाती हैं, और सच में मेरे मतलब मैं इतना खुश थी कि एक रियल पूरा का पूरा एक रियल लाइफ है ना। पैसे एक ऐसी चीज है जो आता और जाता रहता है, पैसा कभी किसी के पास नहीं रहा है, चाहे वो जितना मर्जी कमा ले, पैसा आना और जाना ये दोनों चीज निश्चित है कि आएगा भी और जाएगा भी, है ना। बट एक चीज जो अगर हमारी चली गई जो है पॉजिटिविटी, और अगर हम निराश और हताश होकर बैठ गए तो जिंदगी में ना अपना मनोबल कभी नहीं, हर चीज के लिए हम नहीं 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 में अटक के रह जाएंगे। तो चाहे जैसा भी हो परिस्थिति, लीला जी और आप दोनों थैंक यू सो मच इतना पॉजिटिव रहने के लिए और इतनी पॉजिटिविटी देने के लिए। थैंक यू। विजय मैम ओवर टू यू। थैंक यू सो मच रेखा मैम। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही कहा मैम आपने कि पैसा तो आना जाना है लाइफ में, लेकिन अगर इंसान एक बारी पॉजिटिविटी चली गई तो फिर उसको स्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही बात है मैम। थैंक यू सो मच रेखा मैम। एंड नेक्स्ट नीता देवी जी हैं हमारे बीच में, सो मोस्ट वेलकम नीता मैम। आप आए प्लीज मंच पर और अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग दें मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू विजय मैम मुझे इनवाइट करने के लिए, और बुई बुमान के मंच पे जितनी भी मेरी बहनें हैं सबको मैं नमस्ते करती हूँ, और रेखा मैम को भी नमस्ते करती हूँ, और रेखा मैम का बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ जिन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा मंच बनाया वुमेन्स के लिए। हम अपने दिल की बात इधर आके करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज का जो टॉपिक है ना, तो इससे कहीं ना कहीं मैं भी बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि जिंदगी में बहुत ही हमारी जिंदगी में बहुत ही उतार चढ़ाव आते हैं, तो हमें कभी भी नेगेटिव नहीं होना है, हमें पॉजिटिव ही रहना है। तो मैंने ये बहुत अच्छे से सीखा है जिंदगी में, क्योंकि मेरी लाइफ में छोटी एज में बहुत ही प्रॉब्लम्स आ गए थे, तो मैं कभी भी नेगेटिव नहीं हुई, मैं बस हंसती रही। हंसते हंसते मेरा जे कैसे समय बीत गया मेरे को कुछ पता ही नहीं चला, मतलब कि मैंने कभी कोई भी प्रॉब्लम आई ना मैंने उसको हंसते हुए ही फेस किया, और वो कैसे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई मेरे को पता ही नहीं चला। तो मैं यही बोलती हूँ कि अब तो हमारी लाइफ में ऑन पैसिव है, तो जब से ऑन पैसिव आया है ना हमारी लाइफ में, तो हमारी लाइफ ने एक नया मोड़ ले लिया है। देखो अब हमको इधर हम
अब हमने सबकी शेयरिंग सुनी, हमको कितनी हिम्मत मिलती है। सरिता मैम जब बोलते हैं तो एक मतलब कि एक नेगेटिव आदमी भी पॉजिटिव हो जाता है कि इतना अच्छा बोलते हैं वो, तो हमको बहुत ही अच्छा लगता है इधर सेशन में आके जब हम सबको सुनते हैं ना, तो हमारे अंदर अगर कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी नेगेटिविटी होगी ना, वो भी निकल जाती है कि देखो सब इतने पॉजिटिव हैं तो हम क्यों नेगेटिव हैं, तो हमको नेगेटिव नहीं होना है। अब देखो अब बहुत ही अच्छे दिन आने वाले हैं, ऐसा का हम जितना भी थैंक्स करें कम है, वो दिन रात हमारे लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, तो मैं तो उनका दिन रात थैंक्स करती हूँ, और रेखा मैम का भी बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ, क्योंकि अगर रेखा मैम हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है, तो मैं तो बस कोई प्रॉब्लम होगी ना तो रेखा मैम के साथ जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि जिंदगी में अब प्रॉब्लम वाले दिन हमारे बीत चुके हैं, बहुत ही अच्छे दिन आने वाले हैं, और हम उनका बस इंतजार करें, थोड़ा सा इंतजार हो रहा है, ज्यादा नहीं है, तो हम सबको पॉजिटिव रहना है, अब नेगेटिव होने की कोई बात नहीं है। तो मैम विजय मैम थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए, और मैं आपका थैंक यू करती हूँ। थैंक यू सो मच नीता मैम, थैंक यू सो मच। कहने को तो ये मेरी छोटी सिस्टर है, लेकिन मुझे इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जितना इसने लाइफ में स्ट्रगल किया है ना, मुझे कभी कभी लगता है शायद मैं होती तो मैं नहीं कर पाती थी, तो भगवान ने इसको इतना सब्र दिया है, इतना धैर्य दिया है ना, इसको इतना पेशेंस दिया है ना, और हर टाइम हंसती है। मेरी लाइफ में कभी कोई ऐसा सिचुएशन आया होगा मैं रोई होंगी, लेकिन ये कभी रोती भी नहीं है, इतना इसको सब्र दिया है भगवान ने। तो मैं यही चाहती हूँ कि भगवान आपकी लाइफ में आने वाले समय में इतनी खुशियां भर दे, इतनी खुशियां भर दे कि जितने भी आपने लाइफ में स्ट्रगल देखा है, जो कुछ भी आपने सहन किया है, वो सब आप भूल जाओ एक झटके में, और आपकी लाइफ आगे जो है वो बहुत सुनहरी हो जाए, और बहुत ही अच्छा समय आपका आए। थैंक यू सो मच नीता मैम, थैंक यू सो मच मैम। एंड नेक्स्ट ब्रिजेश टंटी जी हमारे साथ हैं, तो मोस्ट वेलकम ब्रिजेश सर, आप आए मंच पर, अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग दे सर। ब्रिजेश जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम सर आपका। ओके पिंकी जी हैं हमारे साथ, पिंकी मैम अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम आपका। ओके ताजपुरा मैम है हमारे साथ, ताजपुरा मैम अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। यस मैम, यस मैम, हेलो, यस यस प्रीति देवी जी, यस मैम, यस नमस्कार मैम, नमस्कार मैम, पैनल सभी जो उपस्थित हैं, प्रीति मैम आपकी वॉइस कम आ रही है, थोड़ा नेटवर्क में आ जाए। यस हेलो, अभी अभी मैम आ रही है? यस यस मैम, कंटिन्यू मैम। मैम सभी को नमस्कार मैम, मेरा पैनल पे जो सभी यहाँ पे उपस्थित हैं, और मैम बहुत अच्छा लग रहा है आज सभी वुमेन सेक्शन दोबारा शुरू हुआ, और बहुत अच्छा लगता है मैम इस सेक्शन में आके हमें यहाँ पे रेखा मैम, गायत्री मैम, सरिता मैम और मैम आपको यहाँ पे सुनना हमें बहुत अच्छा लगता है, आपकी हर एक जो पॉजिटिव थिंग्स हैं हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, और मैम हमें नेगेटिव नहीं सोचना है, हमें पॉजिटिव ही रहना है, और जो भी हमें ऐसा के साथ चलना है उनकी क्या इस सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है, और मैम हमें नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है, हमें 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 यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव ही रहना है, क्योंकि हमें यकीन है कि यहाँ पे अच्छा ही होने वाला है, ना कि कुछ बुरा होने वाला है। यहाँ पे हमें देखो कितने अच्छे रिश्ते मिले हैं भाई बहन के,
बहनों के, हम आपस में कितनी अच्छी अच्छी बातें शेयर करते हैं और सबके दिलों का हाल जानते हैं कि कैसे, ये नहीं कि हमारे साथ ही कुछ बुरा हुआ है या हमारे साथ कैसा अच्छा है। यहाँ पे हर एक रिश्ता बना है और हमें हर एक चीज की नॉलेज भी मिलती है। और मैम हम जो हम बातें नेगेटिव लाते हैं ना मन में, हम तो यही भगवान से दुआ करेंगे कि एट सर जिस भी काम में उनकी लेट हो रहा है ना, वो भगवान करके जल्द से जल्द हो यहाँ पे और अच्छे से हो जाए। और नेगेटिव सोचने से अच्छा है कि हम उस भगवान के आगे, उस खुदा के आगे, उस वाहेगुरु जी के आगे प्रार्थना करें कि आज सर जिस भी काम को उन्होंने पकड़ा है, जिस मिशन को उन्होंने रखा है, वो जल्द से जल्द पूरा हो और हमारे सभी के सपने यहाँ पे पूरे हों। और मैम सभी ने अपने अपने सपने संजोए हैं और कहीं ना कहीं एज सर ये सभी को पूरा करने में लगे हुए हैं और हमने उनका साथ कभी नहीं छोड़ना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है और उनके सपने के साथ साथ हमें अपने भी सपने पूरे करने हैं और हर एक दौर से गुजरते जाना है। और मैम थैंक यू सो मच मैम मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए विजय मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रीति देवी जी, आपकी वो वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और बिल्कुल सही बातें कही आपने कि हम लोग बिल्कुल अपने गॉड से प्रे करेंगे कि जो भी हमारे सर के रास्ते में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो उनको दूर करेंगे और भगवान उनकी इतनी लंबी उम्र करे कि वो सभी के लिए सोच पा रहे, तो उनको हमेशा भगवान स्वस्थ रखे, तंदुरुस्त रखे। और थैंक यू सो मच मैम। और नेक्स्ट हमारे बीच में यशोदा मैम है, सो मैं उनको इनवाइट करती हूँ। मोस्ट वेलकम यशोदा मैम, आपका मंच पर आए मैम, अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग दे मैम। मोस्ट वेलकम यशोदा मैम। थैंक यू विजय मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। अविवा वुमेन में आप सभी को मेरा नमस्कार। बहुत ही प्यारा टॉपिक है और बहुत ही अच्छा शेयरिंग सभी ने किया है। इससे पता चलता है ना कि हम सब कितने पॉजिटिव हैं, चाहे कितने भी तकलीफें हमारे सामने आए, कितने भी लोग नेगेटिव लोग आए यहाँ पर, लेकिन हमें कोई नेगेटिव नहीं कर सकता है। क्योंकि देखो नेगेटिव वही लोग है, दो चीज होते हैं, एक तो किसी को अगर मतलब लोग बोलते हैं ना मैं सब जानता हूँ, जानना पहचानना पता होना, ये दोनों में ना काफी अंतर है। अभी हमने से कई लोग देखो, बहुत सारे सभी लोग शाहरुख खान को तो जानते ही होंगे, वो एक महान हस्ती है, उसे हर कोई बच्चा बच्चा बूढ़ा बूढ़ा हर कोई जानता है, लेकिन क्या सभी को पता है कि वो कहाँ रहते हैं, उनका लोकेशन क्या है, उनके कितने बच्चे हैं, उनकी वाइफ क्या करती है, उनके बेडरूम का इंटीरियर किसने किया, उनका घर का रेनोवेशन किसने किया है, उनका बेडरूम कैसा है, कितने कमरे है, मतलब उनके घर के अंदर या उनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या किसी को पता है? नहीं पता है, जानते सभी लोग हैं। तो ठीक उसी तरह ऑन पैसिव को सभी जानते हैं, लेकिन जो नेगेटिव है ना उनको पता नहीं है कि ऑन पैसिव चीज क्या है, इसीलिए वो नेगेटिव है। और हम क्योंकि हम यहाँ पे जड़ से जुड़े हुए हैं, हमारा दिलों का नाता है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, ऑन पैसिव को बनते हुए हमने देखा है, तो हमें कोई भी नेगेटिव नहीं कर सकता है। हमारा ये प्यार और ये जो नाता है ना, ये ऐसे ही बने रहना है। हमें ऐसा ने अब तक हमारे लिए जो कुछ किया है उसे दिल से अपनाना है, उसमें एंगेज रहना है, उनके कदम से कदम मिलाकर हमें चलना है, क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ जो दिखाई दे नहीं रहा है, सिर्फ हम उसे अनुभव कर रहे हैं कि हाँ ऐसे होगा, लेकिन वो रियलिटी में बहुत जल्दी बदल आने वाला है, रियलिटी में हम उसे देखेंगे। कल जब 360 में आज सर आया थे, जिस तरह से उन्होंने अपडेट दिया है, तो वो सुनने के बाद हमने से कई लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हुए थे कि हाँ आज सर इतना 24/7 कर रहे हमारे लिए। वो 212 से ज्यादा हमारे इंडिया में बैंक का इंतजाम कर रहे हैं, बैंक से पार्टनरशिप कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं, हमारे लिए, हमारे बेटर फ्यूचर के लिए, ताकि बल्क में वो हम सभी को पेमेंट दे पाए। जो अभी गिने चुने लोगों तक पेमेंट पहुंच रहे हैं, वैसे सिचुएशन आगे ना हो। बहुत ही बैकएंड पे इतना ज्यादा वर्क हो रहा है,
वो देखो कोई भी अच्छा काम करता है ना, तो ढिंडोरा पीट कर नहीं करते हैं, उसे पूरा मतलब रेडी होने के बाद ही सबके सामने आता है। तो बस हमें क्या करना है, पेशेंसली उस चीज का वेट करना है, बहुत ही बेटर फ्यूचर होने वाला है। हम गिने 14 लाख प्लस जो है वो भगवान की देन है, हमें ऑन पास है, भगवान ने दिया है, तो उसे संजो के रखे, एंगेजमेंट रखे। आय सर का कहना सिर्फ इतना है कि आप सिर्फ मेरे लिए इतना करो कि आप इकोसिस्टम में एंगेज रहो, आप अपने आसपास के लोगों को पॉजिटिव रखो। अगर कोई भी इंसान नेगेटिव है तो उसे अपने शब्दों में हम उसे पॉजिटिव करें, एकदम रियलिटी में, मतलब एकदम सच्चाई, जो भी सच दिख रहा है, जो सच्ची घटना सच्ची चीज है वो बताए उन्हें, ना कि उन्हें समीकरण बनाकर उन्हें बताए कि ऐसे होगा वैसे होगा, रियलिटी जो भी है उनको बताओ, उन्हें पॉजिटिव रखो। हमारे बहुत सारे ऐसे ब्लेसर्स है जिन्होंने मतलब हमें ऑन पासे में लेकर तो आए, लेकिन वो ना तो खुद अपडेटेड है ना सामने वाले को उसने अपडेट करा है। तो ऐसे लोगों को हमें देखना है कि जिनके पास ऑन पैसिव का अपडेट नहीं है, उन तक ऑन पैसिव का अपडेट को पहुंचाना है, क्योंकि हमारा कर्तव्य सबसे पहले ह्यूमैनिटी की ओर जाता है, और ह्यूमैनिटी के लिए हमें उन सभी को एक्टिव रखना है। आज हम जो सेशन में जाते हैं, अगर आपके आसपास कोई भी ऐसे इंसान है जिसे आप जानते हो कि हाँ भाई ये भी एक फाउंडिंग मेंबर है, तो उसे भी लिंक दिया करें, उन्हें भी सेशन में लाओ, क्योंकि आज सर का कहना है कि हमें ओ कनेक्ट से कनेक्ट होना है। भले हम अपना लिंक क्रिएट करें ना करें, बट हमारा कनेक्शन ओ कनेक्ट में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही से हमारा जो बोनस है वो हमें मिलेगा, एंगेजमेंट बोनस इसी को बोलते हैं। अगर जितना ज्यादा हम अपने इकोसिस्टम में अपना समय व्यतीत करेंगे, उतना ज्यादा हम बोनस के हकदार बनेंगे। और सभी को साथ लेकर चले, पॉजिटिव रहे, ऑनेस्टी से काम करे। ओवर टू यू विजय मैम, थैंक यू सो मच। हेलो विजय मैम, मेरी आवाज आ रही थी कि नहीं? हेलो, यस मैम आपकी आवाज बिल्कुल आ रही थी, हमने पूरी आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग सुनी है मैम, थैंक यू सो मच श्रद्धा मैम, इतनी वैल्यूएबल शेयरिंग यहाँ रखने के लिए वी बाबूओं के मंच पर। और आपने बहुत प्यारी सी शेयरिंग हमारे साथ शेयर की, हमें एंगेज रहने के लिए जो आपने बातें कही, जो ऐसा के आपने बातें बताई, हमें बहुत अच्छा लगा मैम आपको सुनकर। थैंक यू सो मच श्रद्धा मैम, थैंक यू सो मच मैम। एंड नेक्स्ट मैं सुचित्रा राय मैम को देख पा रही हूँ, सो मोस्ट वेलकम सुचित्रा मैम, आप आए मंच पर और अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग दे मैम, मोस्ट वेलकम सुचित्रा रॉय मैम। थैंक यू सो मच विजय मैम फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा वॉइस क्लियर है मैम? यस मैम, कंटिन्यू मैम। थैंक यू अगेन एंड गुड इवनिंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को ऑन पैसिव नमस्ते। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि रेखा मैम है, गायत्री मैम है, विजय मैम, सुपर्णा मैम, सरिता मैम, सभी मेरे मतलब डियरेस्ट मैम है यहाँ पर, जिनका मैं नाम अभी नहीं ले पा रही हूँ, हालांकि अभी 16 है हम एक साथ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सुन के, और सच में बहुत ही वैल्यूएबल शेयरिंग है और सेशन तो माइंड ब्लोइंग सेशन। जैसे कि आज की सेशन से ना सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी नहीं, बहुत कुछ मोटिवेशन भी मिल रहा है। तो जैसे मैं पॉजिटिविटी के लिए बस एक ही बात कहूंगी, यहाँ पर हम वी वुमेन है सभी, लेकिन हम अगर आई को ठीक करेंगे ना तो हम वी बहुत स्ट्रांग होंगे। तो ये आई को ठीक करने के लिए बहुत ही कॉन्फिडेंट हमें मतलब चाहिए, और ये कॉन्फिडेंट तभी आएगा जब हम प्रॉपर नॉलेज लेंगे और खुद को भी थोड़ा टाइम देंगे और खुद के ऊपर काम करेंगे ना। तो जैसे अभी के सिनारियो चल रही है तो बहुत ही एक्साइटमेंट से भरी है ये सिनारियो, ये पैनिक होने की कोई बात ही नहीं यहाँ पर। लेकिन हाँ, एक चीज तो है यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो है पेशेंस और प्रॉपर नॉलेज। जैसे कल का एक सेशन में देखा था गायत्री मैम ने और रेखा मैम ने, बहुत ही अच्छा, इतना अच्छा अच्छा मोटिवेशन दे रही थी, मैं तो मतलब
मुझे तो बहुत कुछ मिला और मैं खास करके थैंक यू कहना चाहती हूँ इन दोनों मैम को कि हमेशा एक साथ, और कभी कभी ऐसा होता है कि सिचुएशन हमारी कंट्रोल में नहीं होते हैं, लेकिन हाँ फिर भी हमारी जो कोशिश ये जारी रहता है और वहां से भी दूर से भी बहुत कुछ मिलता है। तो इसलिए जो हमें अपना ब्रेन को जो मैसेज भेजना है वो है एक पॉजिटिव इमेजिनेशन, जैसे कि हम वो ये कर सकते हैं, हमारी जो वर्ड हम कैसा शब्द चुनते हैं और कैसा पिक्चर हम देखते हैं इसके ऊपर, तो जैसे हम अपनी सोच के ऊपर थोड़ा सा जोर डालें ना, तो हमारी ये पॉजिटिविटी और भी बेहतर होगा और हमारा आने वाला जो लाइफ है वो तो है ही, जैसे यशोदा मैम ने अभी बोला कि वो हमारी सोच के ऊपर है, इतना अच्छा दिन आएगा, तो इसलिए हमें आई के ऊपर भी काम करना पड़ेगा और बी पॉजिटिव ऑलवेज एंड पेशेंस। थैंक यू सो मच मैम, सभी बहुत अच्छे रहे, वी आर सो इन इट टू इन इट। बैक टू यू मैम। थैंक यू सो मच सुचित्रा मैम, थैंक यू सो मच आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए, और आज बहुत दिनों बाद आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा मैम, और बिल्कुल हमको पॉजिटिव रहना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि बहुत जल्दी जो भी हमारे सपने हैं वो बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं, बहुत कुछ हमारी लाइफ में चेंज हो चुका है और बहुत कुछ चेंज होने वाला है। सो थैंक यू सो मच सुचित्रा जी। नेक्स्ट मैं ललिता मैम को देख पा रही हूँ, सो ललिता रॉय मैम मोस्ट वेलकम है आपका मंच पर, आप आए और अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखें मैम। ललिता रॉय मैम ललिता रॉय मैम आप सुन पा रहे हैं? ओके, अनीता दास मैम है हमारे साथ, सो मोस्ट वेलकम अनीता दास मैम, आपका मंच पर स्वागत है मैम। अनीता दास मैम, ओके तापसी सरकार मैम है हमारे बीच में, सो मोस्ट वेलकम तापसी मैम, आपका मंच पर स्वागत है मैम। तापसी मैम आप सुन पा रहे हैं? सुचित्रा जी मेरी वॉइस आ रही है? यस यस मैम, वॉइस क्लियर है, आ रही है। ओके, सविता जी हैं हमारे बीच में, सविता मैम आपका मोस्ट वेलकम है मंच पर, आप आए मैम और अपनी शेयरिंग दे मैम। सविता मैम आप सुन पा रहे हैं मुझे? ओके रेखा मैम, सभी की शेयरिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, और जो बहनें नहीं बोलना चाह रही हैं तो हो सकता है उनको नहीं आज बोलना है, सो मैम अभी हम बाइंड अप की ओर जाएंगे मैम। रेखा मैम आपका मंच पर स्वागत है मैम। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत मतलब बी पॉजिटिव। अभी सरिता जी का ब्लड ग्रुप भी बी है तो पॉजिटिव तो रहना बनता है ना। कहने का मतलब है कि हमेशा चाहे कुछ भी सिचुएशन हो पॉजिटिव रहना जरूरी है, क्योंकि पॉजिटिव रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे और मिलके बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, और कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आते हैं और धमाल मचाते हैं, और मतलब आज के अपडेट मतलब सबने देख तो लिए होंगे होपफुली, अगर नहीं किसी ने देखे हैं तो प्लीज अपना सिस्टम, अपना खुद का बिजनेस का जो टूल आप लोगों को दिया हुआ है उसको खोलिए, एंजॉय कीजिए, पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या है और क्या हो रहा है ऑन पैसिव में। थैंक यू सो मच एवरीवन, यस वी आर सो इन इट टू विन इट, और पॉजिटिव रहिए सब। We are so in it to win it. Thank you so much, everyone. Bye-bye, yes, everyone. Bye-bye. Thank you, ma'am. Love you. We are so in it to win it.